देखिए, बहुत लंबे समय से जमरानी बाग परियोजना स्वीकृत हो इसकी सबको प्रतीक्षा थी, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे, 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बाग परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि इस परियोजना के बन जाने से, जिसकी अब पूरी तरह से शुरुआत हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं, आज जो प्रतिकर राशि है जो प्रभावित परिवार हैं उनको बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और जल्द ही ये परियोजना को एक लक्ष्य लेकर 2029 तक ये योजना धरातल पर उतरी, इस योजना का काम पूरा हो जाए, और इसके पूरा होने से जो आने वाले समय में अगले 25 सालों में 50 सालों में जो जल के क्षेत्र में जो पेयजल हो या सिंचाई का जल हो जो एक चुनौती होने वाली है, एक संकट होने वाली है, उसका भी इस योजना के बन जाने से समाधान होगा। साथ ही जो भूजल जिसका जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा था वो जल स्तर भी थमेगा, और पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से पूरे नैनीताल, उधम सिंह नगर, आसपास के क्षेत्रों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। सर, कानून को अगर लेकर बात की जाए तो कानून को लेकर अब कहीं ना कहीं आप लोग की रुचि पहल देखने को मिली है, पहाड़ों में खासतौर से अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो लैंड यूज गलत करके जमीन खरीदी है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर हमने पहले ही कहा है कि हम जल्दी ही, इस बार जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून, सबसे बात करने के बाद, सबकी राय के बाद, जो विशेषज्ञ लोगों ने जो काम किया है उनकी समिति के आधार पर, प्रारूप समिति का हमने गठन कर दिया है, हम भू कानून को लागू करेंगे। और जो भू कानून हमारा पहले से लागू है और इसमें हमने पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं कि कोई भी एक परिवार के अंदर 250 वर्ग फीट से ज़्यादा जमीन का अगर कोई खरीदेगा जो परिवार के दायरे में आता है, अगर उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है या किसी निवेश के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के लिए, अन्य किसी काम के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो भूमि क्रय की है और उसने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया है, या उस भूमि का अभी भी जो है समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सभी भूमियों के खिलाफ, सभी ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक जाँच हो रही है। सभी जिलाधिकारी, सभी राजस्व विभाग के लोग इस जाँच को कर रहे हैं, और जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी भूमि कानूनों के तहत सरकार में नहीं की जाएगी।